अच्छा हम जो गड़बड़ कर रहे थे, गड़बड़ यहाँ पे हुआ, देखो जरा 15 ही आ रहा था, 5 3 15 -40, तो 15 में से 40 का ही +1 होना था यहाँ पे, ये गड़बड़ आ रहा था, ठीक है ना। तो माइनस एक माइनस साइन से बहुत गड़बड़ हो जाता है, तो ये 1 आ गया था, तो वो 1 आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे +1 हो जाएगा, +1 आ गया, तो ये माइनस साइन हमें चेंज करने पड़ेगी, माइनस ये माइनस है ना, सिर्फ ये -2 आ जाएगा और ये आ जाएगा -7, इतना आ गया। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आएगा 5 9 45, ये आ जाएगा +45 और 8 2 16, ये आ जाएगा +16, 8 2 16, ठीक है। और फर्स्ट रो का जो सेकंड कॉलम से करेंगे तो 9 7 63, ये आ जाएगा -63 और ये आ जाएगा -8 3 24, तो -24, ठीक है, ये हो गया। वैसे सेकंड इसका करेंगे तो -35 का, 7 का करेंगे 7 5 35, तो -35, 6 2 18, 6 2 12 सॉरी, तो ये आ जाएगा कितना -12। और फिर इसका करेंगे सेकंड से तो 7 7 49, +49 और ये आ जाएगा 6 3 18, तो +18। अब करते हैं इसे, देखो 45 और 16 कितना हो जाएगा, 45 और 16 हो गया 61, -63 और -24 कितना जाएगा -87। वैसे -35 और -12 कितना हो जाएगा, तो -35 और -12 हो जाएगा हमारा कितना -47, और 49 और 18 कितना आ जाएगा 59 69, तो 67 हो जाएगा। तो ये आ गए हमारे पास मैट्रिक्स। तो देखेंगे अगर हम, देखो लेफ्ट हैंड साइड से हमारा जो आया था तो ए बी नॉट आया था -1/(-2) 61 -47 87, ये वाला सेम, और राइट साइड से हमने निकाला तो ये -1/(-), तो देखो ये वाले और ये वाला दोनों सेम है ना, तो क्या आ गया लास्ट में, इसका मतलब आ गया लेफ्ट इज इक्वल टू क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये प्रूफ करना था है ना। तो इससे पहले उसमें क्या हो गया था कि एक -1 से, देखो हमने यहाँ पे -1 कर दिया था, 15 -14 कितना किया हमने -1, उस माइनस से सारा गड़बड़ आ गया था है ना, तो एक माइनस से सारा गड़बड़ हो जाता है वहां पर, तो ये चीज याद रखना, तो +1 है तो फिर इतना आ जाएगा तुम्हारा आंसर।